राधे फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वरुण चुक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। और आज मैं अपने शहर मेरठ में एक बहुत ही अच्छा जायकेदार फूड, जो कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक फूडी भी हूं, तो मैं आया हूं गरम पनीर टिक्का कॉर्नर, जो कि बहुत ही लाजवाब पनीर टिक्का है इनका। और साथ साथ इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या वैरायटी और हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और जाके इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका, अपना नाम बताओ। मेरा ये है धर्म केशव। हाँ जी, धर्म केशव। अच्छा, कब से यहाँ पे लगा रहे हो भैया? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए शॉप पे। हाँ, आपके पास क्या क्या वैरायटी मिलती है? हमारे पास मिलता है ये पनीर टिक्का, पनीर रोल, कबाब रोल, कढ़ाई पनीर और रुमाली रोटी। रुमाली रोटी। पनीर जो आपका है, ये आप खुद बनाते हो या बना बनाए लेकर आते हो? हम खुद बनाते हैं। ये आप खुद बनाते हो पनीर? अपना घर से ही बना के लाते? हाँ जी। अच्छा, तो भैया हम देख सकते हैं क्या क्या बना रहे हैं आप इस समय? इस टाइम बनना है ये, देखो पनीर रोल बनना है, ये पनीर रोल बनना है और ये पनीर टिक्के बनना है ये, और वो कढ़ाई में कढ़ाई पनीर बनता है। वो देसी घी में कैसे है? वो देसी घी में तैयार है। देसी घी में तैयार है। तो चलिए पहले दिखाते हैं। ये देखिए भीड़, देखिए भैया के पास काफ़ी भीड़ रहती है और मशहूर है मेरठ के भैया। दिखाओ जी भैया क्या क्या है, देख लो। काफ़ी लोग बाहर खड़े होकर भी खाना खा रहे हैं और पैकिंग भी होती है यहाँ पर खाना। आप हमारे लिए क्या क्या लगाओगे ये बताओ पहले। वेज कबाब खाओ आप। हाँ। रुमाली रोटी खाओ, कढ़ाई पनीर खाओ, रोल खाओ, सब ठीक है भैया। पहले तो हमारे लिए एक हाफ लगा दो आप कढ़ाई पनीर, एक भैया के लिए आप कढ़ाई पनीर, और भैया पनीर टिक्का भी लगा दो। सही है जी, ठीक है जी। देखते हैं कैसा टेस्ट है भैया का। सही, आप बैठो अंदर। बिल्कुल भैया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया भारत है। भारत भैया आप यहीं पे ही उनके पास ही हो? यही है। हाँ जी। तो भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को कम से कम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए आपको। अच्छा, जरा ग्रेवी दिखाएंगे आप भैया की। ग्रेवी देखो कितनी गाढ़ी थिक ग्रेवी है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी। ये देसी घी में भैया? हाँ जी भैया। अच्छा, बटर कौन सा यूज़ करते हो भैया आप? बटर अमूल का यूज़। दिखाओ भैया हमारे व्यूवर्स को, अमूल का बटर यूज़ हो रहा है। रुमाली भी सेको भैया फिर हमारे लिए। हाँ भैया, ये लो। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी फूडी है उसे शेयर करें। मेरी इंस्टा आईडी आ रही होगी, आप लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो भैया व्यूअर्स, आप देख लो पनीर भैया घर से बना हुआ लाते हैं, खुद का इनका पनीर है। और जो मक्खन है, जो कि आपको पता ही है अमूल का बेस्ट मक्खन लगाते हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी व्यूअर्स अच्छे भैया देख रहा है, घंटाघर लाला बाजार मेरठ शहर, ठीक है। शादी ब्याह में कैटरिंग में कोई काम नहीं करते आप? ठीक है भैया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा शिवांश नाम है भैया। कितने टाइम से आप यहाँ आ रहे हो भैया? मैं भैया का लगभग 4 से 5 साल से रेगुलर कस्टमर हूँ मैं। तो आपको भैया हफ्ते में एक बार जरूर? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से आए हो मेरठ में? पास से ही हो या दूर से? पास से ही हूँ, घंटाघर से ही। अच्छा। तो आपको भैया टेस्ट कैसा लगा यहाँ का? भैया आप क्या समझ सकते हैं, पनीर टिक्का खा रहा हूँ भैया। पनीर टिक्का? हाँ जी। कैसा लगा टेस्ट? बस हफ्ते में एक बार आता हूँ तो भैया रेगुलर कस्टमर हो तो टेस्ट तो अच्छा ही होगा। और भी जगह खाए हैं मैंने, लेकिन जो यहाँ का टेस्ट है बेस्ट है। बेस्ट है, ठीक है। थैंक यू। आप भी खाइए। बिल्कुल ट्राई करेंगे। तो मैंने मंगाया जैसा भैया ने कहा, कढ़ाई पनीर और पनीर टिक्का मेरा आ रहा है अभी। तो अभी खा के टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसा लगा। तो जैसे कि आपको पता ही है मैंने मंगाया है ये, थोड़ा सा इधर कर लें, तार वार आ रही है बीच में। ये है जी कढ़ाई पनीर,
जो कि है आपका देसी घी में। मैंने इनके यहाँ पहले भी खा रखा है, तो इस वजह से मैं वीडियो बनाने आया हूँ कि यहाँ का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, एक नंबर का उम्दा टेस्ट होता है। तो आप भी कभी आएँ और यहाँ का टेस्ट करके देखें। और ये है पनीर टिक्का इनका, ठीक है ना, टेस्ट करते हैं पहले फिर आपको बताता हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी टेस्ट कर रखा है, मगर अपने व्यूअर्स को लाइव दिखाने के लिए भाई मैंने खा के दिखाऊं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और ये भैया का है, ये एक चीज़ और है, कबाब, वेज कबाब, ठीक है जी। तो ट्राई करना और बताना, आप लोग आके ट्राई करो ज़रूर और बताना कैसा लगा आपको। वैसे तो मेरे को तो बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत ही यम्मी है, इस वजह से ही मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार जब भी आप कभी मेरठ आओ या मेरठ गई हो तो ज़रूर आके एक बार ट्राई करो, ठीक है जी। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? शाहरुख है सर। तो शाहरुख जी कहाँ से आए हो आप, मेरठ से ही हो? जी सर, मेरठ से हूँ। मेरठ में किस जगह से हो? मेरठ से सर, खैन नगर। खैन नगर से जी सर। तो भैया क्या मंगाया आपने अपने लिए? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का, अच्छा। तो भैया कब से आ रहे हैं यहाँ पर? सर मैं बहुत साल से आ रहा हूँ। बहुत साल से? रामजी का नाम फेमस है। अच्छा जी सर। बढ़िया लगता है टेस्ट? जी बहुत टेस्ट बढ़ गया है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम इमरान है। इमरान जी, आप भी पहली बार आ रहे हो या? नो नो नो, ये हम रेगुलर कस्टमर हैं धर्म जी के, बिल्कुल। यस, तो आपको भी टेस्ट बढ़िया लगता है? बहुत टेस्टी है, और मेरठ में इन जैसा टेस्ट कहीं नहीं है। इनके यहाँ सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का। और वैसे आपने क्या क्या ट्राई करा हुआ है? सब ट्राई कर रखा है, मगर पनीर टिक्का इज फेमस। पनीर टिक्का इनका फेमस है। चलिए ठीक है भैया, आपको बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। तो आपके यहाँ के पनीर टिक्के और कढ़ाई पनीर खाया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भैया फेस दिखाओ, ठीक है भैया, धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति आना चाहता हो यहाँ पर आए धर्म जी के यहाँ और जायका लें यहाँ का बहुत ही लाजवाब उम्दा टेस्ट, इसे कहते हैं पनीर टिक्का और कढ़ाई पनीर। और भैया स्पेशली मुझे जो आपका ये कबाब, वेज कबाब, बहुत ही टेस्टी लगा, धन्यवाद आपका भैया। तो ये भैया के यहाँ भीड़ देख लीजिए आप। तो ये भैया की रेट लिस्ट है, कढ़ाई पनीर फुल प्लेट 140 और हाफ प्लेट 70 रुपये। रीजनेबल रेट हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, आप आके ट्राई करो, काफ़ी अच्छा स्वाद मिलेगा आपको। और ये घंटाघर है, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही है धर्म पनीर टिक्का। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।